वैद्य जी भगाए गए। देवी सहाय का लड़का भगवती प्रसाद बीमार हो गया था। वह गर्मी की दोपहरी में घर से चुपचाप आम चुनने भाग गया और वहां उसे लू लग गई। उसे जोर से ज्वर चढ़ा था। देवी सहाय ने वैद्य जी को अपने लड़के की चिकित्सा के लिए बुलाया। वैद्य जी ने आकर लड़के की नाड़ी देखी और कहा, इसे लू लगी है, यह बड़ा चंचल जान पड़ता है। दोपहरी में घर से बाहर जाने का क्या काम था, यह बहुत बुरी बात है। जो लड़के अपने बड़ों की बात नहीं मानते वे ऐसे ही दुख भोगते हैं। वैद्य जी उपदेश देते थे और लड़के को डांटते जाते थे। देवी सहाय को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, वैद्य जी मैंने आपको बुलाकर भूल की, आप अपनी फीस लीजिए और जाइए, मैं अपने लड़के की चिकित्सा किसी अन्य वैद्य से करा लूंगा। आप तो बीमार लड़के को डांटकर और दुखी कर रहे हैं। वैद्य जी बेचारे लज्जित होकर चले गए। जो दुख में पड़ा है उसे उस समय उसकी भूलें बताकर और उपदेश देकर अधिक दुखी नहीं करना चाहिए। उस समय तो उससे सहानुभूति दिखाना और उसकी सेवा करना उचित है।